केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि के तीनों अध्यादेशों के खिलाफ सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देश अनुसार अम्बाला में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। बाद में जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कृषि विधेयकों और पुनः विचार करने के लिए सदन में इन्हें वापस भेजने की मांग की गई। कृषि के तीनों अध्यादेशों के खिलाफ लगातार खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अम्बाला में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मौलाना से कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जमाखोरी करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। ये विधेयक न सिर्फ किसानों, आढ़ती और मजदूरों के ही खिलाफ नहीं अपितु समूचे देश के नागरिकों के खिलाफ है। इससे आने वाले समय में महंगाई और भी अधिक बढ़ेगी। जमाखोरी को इन्होंने कानूनी मान्यता दे दी और MSP का कहीं जिक्र नहीं किया। किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, जिस पर इन्होंने क्रूरतापूर्वक पहले तो लाठीचार्ज करवाया, फिर झूठे मुकदमे दर्ज किए। आपके माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हमारे विधायक चौधरी वरुण मौलाना जी पर भी इसी सिलसिले में झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जितने भी झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी और मैं खुद निशुल्क कानूनी सहायता अपने भाइयों को देंगे। देश के हर नागरिक को आज समस्या है। इस कोरोना काल में भी देश के नागरिक सड़कों पर खड़े, क्यों खड़े? अपनी जान जोखिम में डालकर। क्या कारण? ये जो कृषि विधेयक है, अध्यादेश, इनसे हर वर्ग दुखी है। किसान भी, मजदूर भी, आढ़ती भी और देश का आम नागरिक, क्योंकि ये पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि होर्डिंग को लीगल बनाया जा रहा है। कि कोई भी धनाढ्य जो है, बड़े बड़े कॉरपोरेट देश की पूरी दाल खरीद, देश का पूरा अनाज खरीद, देश का पूरा तेल खरीद, इससे कीमतें बढ़ेंगी, देश के नागरिक के ऊपर वजन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इसका फायदा नहीं होने वाला। और एक बार भी तीनों अध्यादेशों में एक बार भी कहीं पे न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं लिखी गई। हम सब चाहते हैं, देश का हर नागरिक चाहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूरी तौर पर इन अध्यादेशों में, इन विधेयकों पर लिखा जाए। आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया कि वे, क्योंकि दोनों सदनों में बिल पास हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि वे पुनः विचार के लिए सदनों में इन बिलों को वापस भेजें, क्योंकि ये न देश के हित में है, न प्रदेश के हित में है, न देश की जनता के हित में।